इस मुजफ्फरपुर का भीष्म पितामह कौन है? आपका हाथ और आपका पूरी जुबान रक्तपात, रक्त रंजीत और रक्त चरित्र है या नहीं? अच्छे लोगों का सम्मान मुजफ्फरपुर कभी करना जानती ही नहीं। सबके सब रक्त चरित्र भी है, रक्त रंजीत भी है और रक्तपात भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बीते दिनों मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से अपराधियों का तांडव देखने को मिला, अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इन गोलियों में कई लोग घायल भी हुए और कईयों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर के जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बयान दिया है और पप्पू यादव ने जमकर कहा है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि 50 वर्ष पहले पितामह हुआ करते थे, लेकिन अब भीष्म पितामह है। शायद उन्हीं के संरक्षण में इस वक्त मुजफ्फरपुर में तांडव मचा हुआ है। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आप खुद सुनिए। लोगों का नहीं है, इस देश के गोदी मीडिया को सीमा से फुर्सत होगा तब ना। और आम आदमी तो लगभग विचार मृत प्राय हो गई है, समाज जिस देश का मृत प्राय हो जाए। हो करने वाले के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। 9:24, 9:24 सेम टाइम सेम जगह सेम जमीन कल्याणी, अब किनको ये कहाँ से गिरफ्तार करवा है, जिनकी अप्रोच वकील साहब कह रहे हैं कि हमको इनको मना किए थे, और वकील साहब का बेडरूम, वकील साहब के कोई भी व्यक्ति वहाँ जो दूसरे थे वो नहीं मरना, और सिर्फ इनके साथ के लोगों को गोली लगना। और एक महीने में चर-चर पांच-पांच हत्या मुजफ्फरपुर में, मैं कई बार कह चुका हूँ, सवाल आशुतोष या सवाल अन्य लोगों का नहीं है, पहले भी हम इस पर कहे हुए हैं। भीष्म पितामह कौन है? फिर मैं बोलूँगा तो मिर्ची लगेगी बहुत लोगों को। और अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? इस मुजफ्फरपुर का भीष्म पितामह कौन है, जिनको राजनीतिक संरक्षण से लेकर सारा संरक्षण प्राप्त हो, और सोसाइटी आम आदमी सिर्फ अपराधियों को तवज्जो देता हो? अच्छे लोगों का सम्मान मुजफ्फरपुर कभी करना जानती ही नहीं है। मैंने मुजफ्फरपुर के बारे में जितना इतिहास मुझको याद है, मुझको लगता है कि यहाँ पर अच्छे लोगों का सम्मान कभी नहीं होता है, या तो रसूखदार पैसे या तो माफिया। मुजफ्फरपुर का मतलब क्या है? मुजफ्फरपुर का मतलब है कंप्लीट रूप से माफियाओं का एक शहर, जिसके इर्द गिर्द सभी लोग चलते हैं, जमीन माफिया। नेपाल इस इलाके से सारा शराब हो या जितनी चीज़ें को आप उठा के देखिए, सब या तो मुजफ्फरपुर या तो हाजीपुर, रूट यही है। डंप होगा पटना के पहले हाजीपुर, फिर मुजफ्फरपुर। नॉर्थ का सब लगभग तीन शहर के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और दरभंगा, जिसमें मुजफ्फरपुर का इतिहास सबसे पुराना। बड़े बड़े वर्चस्व की लड़ाई में लगभग लोग यहाँ मरे हैं, और इसमें वर्तमान में जो भूमिका है, जिस जो भीष्म पितामह जो चारों तरफ उलझा के रखती है, उसकी भूमिका
की भी जांच हम चाहते हैं, आवश्यक है। अब आप, मैं यदि वो याद करूं जो एक चर्चा होती थी कभी कि मंटू शर्मा को गिरफ्तार करवा के किसने लाया या कौन थे, यह भी कई एंगल चर्चा शुरू हो गई। कल्याणी जमीन का चर्चा शुरू हो जाता है तो सवाल उठता है वकील साहब और वकील साहब के परिवार से पूर्णतः पूछताछ होनी चाहिए। वकील साहब को इसकी क्या जरूरत पड़ी कहने की कि मैंने नहीं बुलाया? और आखिर शूटर को ये पता था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वकील साहब के चैम्बर में वो नहीं बैठे, वकील साहब के रूम में जाके बैठे। इसका मतलब है कि वकील साहब के चौहद्दी से लेके सब कुछ का उस शूटर को पता था। इसीलिए मैं इंक्वायरी में वकील साहब की जांच चाहता हूँ। उसके बेडरूम में मरना, शूटर का बेडरूम तक पहुँचना, खाली आके गाली गलौज दे देना कि इस सरकार ने सब कुछ कोलैप्स हो गया, जो लोग ये बात करते हैं उन राजनेताओं और राजनीतिज्ञों से पूछिए, आपका हाथ और आपका पूरी जुबान रक्तपात, रक्त रंजित और रक्त चरित्र है या नहीं। ये पॉलिटिशियन चाहे इस भाग का हो चाहे उस भाग का हो, सबके शब्द रक्त चरित्र भी हैं, रक्त रंजित भी हैं और रक्तपात भी है। और ऐसे समय में वो अपराधियों का नाम नहीं लेंगे, एक पार्टी किसी अन्य लोगों को दे देंगे एमपी एमएलए एमएलसी का टिकट, दूसरी पार्टी किसी और को एमएलए एमपी एमएलसी का टिकट दे देंगे। सुना आपने किस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में संरक्षण दिया जा रहा है अपराधियों को, और अपराधियों को संरक्षण देने की वजह से ही आज अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, अपराधी तांडव मचा रहे हैं। लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।